हेलो फ्रेंड्स, आवर वेरी वार्म वेलकम आपके अपने शो स्वैगी स्टार्स पर, जहां पर हम करेंगे आप ही के कुछ फेवरेट सितारों से स्वैग और चिल भरी बातें और दिखाएंगे आपको उनकी एक अलग ही साइड। तो चलिए करते हैं शुरुआत मेरे यानी कल्याणी वढेरा के साथ। तो आज मैं आपको एक ऐसे सिंगर के घर लेके जा रही हूँ जिन्होंने 19 साल में ही अपना पहला सॉन्ग रिलीज करके हम सभी के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। मैं बात कर रही हूँ अरमान बेदिल की। तो चलिए आइए चलते हैं उनके घर। अरमान, जैसे कि आपका फर्स्ट सॉन्ग जो रिलीज हुआ लावा, आई थिंक आप उस टाइम 19 ईयर्स के थे, राइट? बिल्कुल। तो उसके लिए जो आपने पहले बहुत ज़्यादा सोचा कि हाँ मैं 19 साल के अंदर रिलीज करूँगा, अचानक से हो गया या फिर आपने उसके लिए कितनी प्लानिंग्स की? मैं तो बहुत ज़्यादा लग गई, मैं 15-16 साल का लग गया सी करना। तो जिदा मैं दसा, मैं थोड़ा मेरी फैमिली बैकग्राउंड इदा का, तो सानू तो कहते कर कोई चक्कर नहीं गा, पूरी सपोर्ट करते थे। लावा गाने तो करन तो पहला मैं ऑलरेडी 5-7 ऑडियो बना चुका, ठीक है। मैनू 2 वीडियो शूट हो गई सी उस तो पहला। उस तो बाद चलो साड़ी एक जशन वीरा जिन्ना करके मैं चंडीगढ़ आया है ना, तो उन्होंने जिन्होंने वीडियो डायरैक्ट की, मेरा पूरा प्रोजेक्ट सामभ्या से लावा का, उन्होंने मिले वो कहें भी आह गाना ज़्यादा वधिया है ना, तो आह गाना आह देख कि जगी वीर का लिखा गाना, असं वो गाँव किया। उस तो ऑलरेडी पहला मैं 5-7 गाने कर चुका है जेडे रिलीज़ नहीं हुए थे, असं बस देख रहे पहला गाँव डेब्यू गाँव जो वधिया प्रभाव पाए वो देख रहे थे। घरों पूरी सपोर्ट सी, मैं तो छोटे होंदे लग गए करनी चीज़। तो मतलब जो आपका लावा गाना था उससे आपको बहुत ज़्यादा फेम मिला, उससे पहले जितने भी ऑडियो सॉन्ग्स थे उससे पहले आपको इतना फेम? लावा पहला गाना सी, वो जिहड़े ऑडियो कीते सी वो मेरे कोल ही सी फोन दे विच, वो फिर बनाए हुए सी। रिलीज़ पहला लावा कीता सी जी। तो अरमान, अगर आपके बचपन की बात की जाए तो स्कूल से ही आपने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी? बिल्कुल, जिदा मैं बड़ा ज़्यादा शाही सीगा, मैं घरदे नूं पता सीगा, मम्मी उन्होंने पता सीगा, मैं आपके फादर साहब तो बहुत ज़्यादा शाही सी। मैं मतलब मैंने गाँव अंदरों तो बहुत इच्छा होंगी सी, मैं गावा सीधी गल सच्ची गल दस रहा, मैं बहुत ही हूँ तो चलो बंदा बेशर्म हो गया, हूँ तो मैं गाई जाना जितने मर्जी गवा लो मैं। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा शाही सीगा, मैं नहीं गा सकता सीगा, तो मैंनू मैं एक दो बार गाया, पर मैं पहली बार गाया 10th 10th के साड़ी फेयरवेल सी, उत्थे मैं पहली बार स्टेज पर चढ़िया, उत्थे जिन्ना क टुटा भजन मैं आता मैं गाया उत्थे वधिया। उस तो बाद मैं एक वीडियो की किया ना, मैं बड़ा जिदा शाय आना, हूँ डैडी मैं सुना नहीं सकता डैडी मैं गाना गाँव भी मेरे तक भी ध्यान दे लो थोड़ा मोटा। मैं किया वीडियो बनाई गाने की, मैं यूट्यूब पर पाती, अज भी यूट्यूब पर पई है, मैं नाम दसूँगा कि नाम से पाई से, वो नाम मैं होर लिखे पाई से, तो मैं जवाक जहाँ मैं गा रहा वीडियो, तो मैं डैडी ने कहा डैडी आ वीडियो बनाई है जी, मैंने कहने अच्छा गा लेना तू, मैं हाँ जी हाँ जी। फिर वो थोड़ा देखा बच्चा मुंडा हाँ गा लगा करो, ये तैयारी दी तैयारी तुरी कराइए। उस टाइम तो बाद मैं स्कूल के बहुत घट गाया, फेयरवेल तो गया, फिर हौली 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 संघ खुलेगी पहला घट गया। तो जैसे कि आप एक हमेशा से एक ऐसे फैमिली में रहे हैं जिसके अंदर हमेशा से सिंगर्स आते रहे, आपके फादर से भी आप इतने ज़्यादा इंस्पायर हैं, आपने उनसे सब कुछ सीखा, तो बचपन से ही स्कूल के अंदर ही बहुत ज़्यादा फेम मिला या बड़े होकर ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं जी, स्कूल एडी कोई गल नहीं सी, पर ठीक है घर आते थे मतलब फादर साहब करके बहुत ज़्यादा सारे जिदा कि सारे सिंगर जिदा वधिया वधिया सिंगर ना है ना, मतलब सारी ऑलमोस्ट सारे सिंगर साढ़े घर आते थे, ठीक है। डैडी ने जिदा गाने डैडी के थ्रू होना, मैं मिलता भी उन्होंने, पर इदा कोई स्कूल के एड्डी गल नहीं, क्योंकि बंद आप होना चाहिए कुछ है ना। हूँ डैडी के नाते चलो तो नाम ऑलरेडी बेदल लाया है मेरे पिछले, जानते हैं सारे अरमान बेदल भी, तू अच्छा भी बचन बेदल का बेटा? हाँ हाँ जी हाँ जी बेदल उन्होंने बेटा, पर आप तो कुछ नहीं ना है ना, उदो इन्नी फुकरी फाकी नहीं मार रही, हम चलो थोड़ा मोटा हम लगे होना आप करना सही चीज। अगर आप सिंगर ना होते तो आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते? मैंने होर को करना आता नहीं, सिंगर बेसिकली चा सी भी क्रिकेटर बनना हाँ, वे भी मैं एक खेडिया, वैसे मैं पंजाब गोल्ड मैडलिस्ट हाँ, मैं खेडेंगा संगरूर लिए खेडा, संगरूर सर जितया मैं टीम से, मैं नहीं लगता पर उस मैं कुछ कर पाँगा बार ज़्यादा कर पाँगा, पर मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, नॉर्मल जरा एक क्या कह सकते हैं एक बेरोजगार हूँ नॉर्मल जे ना हों सिंगर दैट। तो अरमान, आपने जो सिंगिंग है वो अपने फादर से ही सीखी या कहीं बाहर से भी आपने ट्रेनिंग ली? जो कुछ मैंने थोड़ा मोटा गाना होता मैं फादर सामने कराया था। लेकिन अगर उसके अलावा अगर आपको कभी किसी के साथ काम करने का मौका मिले या फिर कोई ऐसा सिंगर जिसे आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं तो वो कौन है? जिदा मैं सारे सिंग मैं गुड लिसनर, मैं सब कुछ सुनना, ठीक है। मैं कोई चंगा तो चंगा भी सुनना, मैं माड़ा तो माड़ा भी सुनना, मैं सुनता भी माड़ा ये माड़ा क्यों है, इस की गलतियां ने, चंगा अच्छा ये चंगा क्यों है, ये की क्या नवी चीज़ कर रहा है, मैं सारे सुनना।
ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਵੀਰਾ ਡੈਡੀ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਵੀਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਵੀਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਵੀਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਰੀਮਾਨ ਵੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੈਰੀ ਵੀਰ, ਆਹ ਦੋ ਸਿੰਗਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। तो जिस तरह से आप अपने फादर को अपना एकदम आइडल मानते हैं, तो जो आपको फर्स्ट सॉन्ग था वो उसके लिरिसिस्ट जगी संघेड़ा जी थे, है ना, तो फर्स्ट सॉन्ग आपने क्यों नहीं सोचा कि कोई फादर का लिखा हुआ ही आप गाएं? डैडी दे फादर की ऑलरेडी कीते हुए सी जदों की डैडी मैनू कहंदे ने कहिंदे कोई चक्कर नहीं गा, जितों कोई चीज़ नवी आउंदी आ डैडी कहंदे ने नवीं गुड्डियां नवें पटोले है ना, भी कोई चक्कर नहीं तुसीं नवें बंदे च करंटा कहंदे करो। जगी वीरा नाल एक गाना मैं होर कीता सीगा पसंद गाना सी ऑडियो कीता सीगा, ते जगी वीरा देख रहा होगा ते उहदी सी वीडियो भी करनी जगी वीरे, ते अगे भी जगी वीरे आपां होर काम भी करना बहुत ज्यादे, मैनूं गाने गुणे दे दो, मैं ये मैसेज सिर्फ जगी वीर वास्ते सी मेरा। तो जैसे कि आपके जो फादर ने सॉन्ग्स आपने बोला कि उन वो लिखते हैं लेकिन आपने किए नहीं, लेकिन जो अभी आपका टीज़र रिलीज़ हुआ है उसके अंदर सबसे पहला नाम जो मैंने देखा एक दो सेकंड के बाद ही आपके फादर का नाम फ्लैश हुआ, तो मतलब उसमें उसमें भी उनका कुछ एडिट है? नहीं वो वीत बलजीत वीर ने लिखा हुआ, वो डैडी कहते भी घंट है कोई चक्कर नहीं, प्रेजेंटेशन चलो होंगी है कि फादर साहब की हर गाने आँदी है फील रिकॉर्ड्स एंड बचन मिल प्रेजेंट, वो तो आऊगा ही आऊगा जी, जो भी कुछ आऊगा मेरा वो तो पक्का है ही है, पर वीत वीर ने लिखा ही सी डैडी कहते घंट है कम कर लिया। अरमान आपकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा प्यारी है लेकिन उसके अलावा अगर आपने कोई राइटिंग के अंदर रखना हाथ आजमाना चाह हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, ये गाना बहुत औखा कम है, लिखना बहुत औखा कम है क्योंकि हवा चो शब्द फड़ने बहुत ज़्यादा औखी गल है, मैं इन्ना आपदे आप लायक नहीं समझा मैं कुछ लिख सकता क्योंकि राइटर बहुत बड़े मतलब डिफरेंट होंगे, मैं रहना भी रहना है ना, मेरे फादर साहब है होर मेरे दोस्त मित्र है पतंदर होर ही तरह रहते हैं, मैं गल गुल करता हूँ भी हाँ यार आह गल हो गई सी वो है नहीं पता, अच्छा की वो है नहीं पता दिमाग की चलता हूँ, मैं आपदे आप समझता नहीं, मैं लिख नहीं सकता। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप कोई सॉन्ग लिखो तो वो आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फीलिंग्स के साथ और ज़्यादा अच्छे से गा पाएंगे क्योंकि उसके अंदर आप अपना कुछ देखेंगे? नहीं, मैं लिख ही नहीं सकता, मैं फीलिंग से नहीं मर्जी पाता मेरे चाहे मैं तो सैड गवा लो भावें तो रोमांटिक गवा लो भावें बीट गा लो, वो तो मैं फीलिंग पूरी पा देना, पर लिखने वाला काम बहुत है राइटर जो। अच्छा इसके साथ साथ आप इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं? थोड़ा मोटा मैं हारमोनियम कर रहा ना, बड़ा कुछ नहीं होता जी। तो आपके जो ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉन्ग्स रहे हैं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स वाले रहे हैं हमेशा, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स छुपी होती थी हमेशा, तो आपकी और बहुत ज़्यादा पोलाइट एंड लाइट सॉन्ग्स रहे हैं, तो आपकी जैसे सॉन्ग्स आप वैसे ही सोच रखते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली जैसे बंदा सोचूगा वैसा गाऊगा जी, मैं जिदा बेसिकली सॉन्ग सिलेक्शन होती है बंदे सॉन्ग सिलेक्शन वाड़ी हो, मैं कहूँ मैं बदमाशी वाले गाने करने हैं, जी मेरा दिमाग कहे मैं फील सोचा मैं अच्छा यार मैं फील लवा वो चीज़ फिर मैं गा भी दूंगा वो चीज़ आँदी नहीं फील, हूँ मैं मेरे हाथ की बंदूक फड़ी चंगी लगूगी है ना, मैंने आप नहीं चीज़ा चंगी लगती है ना, तो करके भी जै मैं मैं आपू इदा वाइया लगते हैं फील फूल वाले गाने तो करके। और जैसे कि आप सभी अपने सॉन्ग्स को आपने बोला कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा सॉन्ग था जिससे आपको शूट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? उसी का जट ते जवानी। Yes, because there were so many models आपके साथ। एक दिन शूट करना सी गई हूँ जिदा चलो हूँ मैं कलाकार चलो होंगे ने है ना भी ठीक है कर लेंगे है ना, जो हम जे लीड्स होंगे ने फीमेल लीड होंगे ने ना वो असल गल है भी एक सामने औखे होंगे ने सैट के उपर है ना, साढ़े से सत्त सत्त से सत्त सत्त भी सत्ते मतलब वैल नोन से है ना वधिया से, एक दिन सत्तां नाल शूट करना इन्ना औखा सीगा वधिया भी लग्या उस टाइम है ना, बाकी शर्म जी वाली आउंदी कल्ला मुंडा सत्त है ना खड़े ने अड्ड अड भी मैं नहीं करना बड़ा औखा लग्या मैनू पर फन भी बहुत होया शूट ते। तो आपके जितने भी आप सॉन्ग सुनते हैं पंजाबी सुनते हैं या फिर सब टाइप के सुनते हैं? मैं ज़्यादातर पंजाबी सुनना, हिंदी सुनने की कोशिश करता पर हिंदी कुछ गाने होंगे जो मैं सुनना कुछ जो मैं वधिया लगते दैट्स इट। तो आप जैसी आपकी आवाज़ है तो इसको आप कितना हर रोज़ रियाज को टाइम देते हो? रियाज जी जिदा मैं दसिया मैं थोड़ा टेंथ तो लग गया करन तो उदो दो तीन तीन घंटे होंगे जिदा घंटा डेढ़ घंटा रियाज किया प्रॉपर एग्जैक्ट उस घंटा डेढ़ घंटा गाँवे उच्च उच्च अजक की है इतने चंडीगढ़ हूँ फ्लैट हो गए बड़ा उच्ची गाया नहीं आता रियाज कर लीदा घंटा अद्धा घंटा पौना घंटा घंटा इन्ना होंगे बाकी जो स्टूडियो जाने वो गड्डी होंने गाई जाने बेसिकली की होंगे रियाज की होंगे गाई जाओ गले की प्रैक्टिस कराई जाओ सारा दिन गाई जाने प्रैक्टिस होती रहती है।
तो अरमान, जैसे कि अभी आप यहाँ पे ट्राई सिटी में रहते हैं, तो जब भी आप अपने पिंड जाते हो तो आप अभी भी अपने फादर के साथ मिलके प्रैक्टिस करते हो सॉन्ग्स की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ऑफिस जाना मैं तो वो बैठे होंगे ने, ठीक है, तो मैंने उन्होंने की है रात को चल सुना गाने सुना आ भी मुंडिया की सुना, मैं कहूँगा सुन लो मैं आ मेरे गाने सुन लो, ए नहीं औखा गाना सुना कोई माई सुन लो, फिर मैंने कहने की आ ला सुना के दिखा बड़े कलाकार आ सुना, फिर मैंने उसे बेइज्जती कर देने भी तू कुछ नहीं है, फिर क्योंकि ये चीज़ा जरूरी नहीं, बंदा जमीन पर बने रहा है बंद पता लगना, नहीं तक मैं बहुत देखे है ना, चलो वाहगुरु है ना सोच होंगी बंद की भी बंद, मैं एक सिंपल गल करना बंद जो पैर होंगे जमीन से रखने चाहिए इन गलों मेरे जो मेरे नाल बंद ने मेरी हवा कड़ देने मिनट भी चल तू कुछ नहीं है बस कर, मैं ये बंदा मैं जमीन पर रहना, तो मेरे घर के होने मेरे दोस्त होने मेरे जी ने। तो अरमान, जैसे कि आपके जो लाइफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो आप किससे पूछ कर लेते हैं? फादर साहब, फैमिली। और आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना किसके साथ पसंद करते हैं, फैमिली या फिर फ्रेंड्स? देखो दोनों हर चीज़, मतलब जिंदा मैं फ्रेंड्स होंगे है ना, फ्रेंड्स मेरे पास इतने भी मतलब एक या दो फ्रेंड ने, कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, चंडीगढ़ भी इतने ना जो मतलब अजक हों कि मैं घर नहीं जा पाँगा ज़्यादा, मतलब जिदा जाना उत्थे रात में जाना तो सवेरे मुड़े आना, कई बार हद हों एक दिन हों मैं घर ही मतलब बहुत घट टाइम हों, क्योंकि इतने काम कुम होंगे जे बंदा इतने नहीं रहूगा तो बंद पिछे रह जूगा है ना, मतलब इतने रहना पैंता, बट दोवों का हों फैमिली जाना तो फैमिली हों, इतने दोस्तों मित्रों चलो आपका हों इंजॉयमेंट दोनों का, मतलब दोवों वधिया लगता जी गल है। अच्छा, ऐसी कोई पांच चीज़ें जिनके बिना आप लाइफ में बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते? मेरा फ़ोन, मेरा हारमोनियम, मेरे फ़ोन का चार्जर, मेरी कार, होर ते मेरा मेरी नींद, मैं मतलब मेरी वीकनेस है नींद, बाकी फ़ोन भी छोड़ दूंगा मैं किसी टाइम है ना, मैं गाने ते सोने बिना रह नहीं सकता। अच्छा, तो अगर आप गा नहीं रहे होते तो मतलब आप सो रहे होते हो? बिल्कुल, डैडी और मैंने पर की आते हैं कहने भी यार मैं तेरा कोई फिक्र नहीं है, मैं कहने तेरा बद तो बद तेरा लांबा, मैं उन्होंने पता है भी तेरा लांबा की आ सकता है, मैंने आप कहते हैं कहने तेरा लांबा ही आ सकता भी यार मुंडा थोड़ा सुता पाया फोन चक्या, होर कहने तेन तेरा पूरा विश्वास है, मेरी सौना एक वीकनेस है, मैं बहुत सौना गा बहुत ज़्यादा सौना। तो जैसे कि आप यहाँ पर आ गए उसके बाद आपने सिंगिंग शुरू कर दी, तो आपने अपनी कॉलेज लाइफ बिल्कुल ही मिस कर दी, तो आप उसे मतलब कितना मिस करते हैं कि काश आपने ऐसा किया होता? मैं जो ना गल करना कि दोस्तों मित्रों जे कॉलेज जाते हैं ना, वो मैंने कह दें अपनी जिंदगी का एक जहाँ पार्ट तू मिस करता है ना, कि जोड़ा तेनों जाना चाहिए सर, हूँ की करा मैं इधर टाइम ना आ गए थोड़ा जहा, तो हूँ जो हूँ कॉलेज जाना तो थोड़ा जहा प्रॉब्लम आँदी है ना, तो जिदा हूँ पर कॉलेज जाने थोड़ी छूट दे रखी भाई कोई चक्कर नहीं तू आप एग्जाम दे जा कर आके तू आपका वो कंटिन्यू कर ला, पर औखा हूँ नहीं जा पाँगा इतने काम होंगे, पर मैं कदे कदे मैंने होंगे यार भी जाना चाहिए सर, होस्ट लाइफ देखनी सी है ना, जो होंगे जिदा रेंदे ना बंदे मैं मिस करता हूँ चीज़ में नहीं देखी। तो चलो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वाले है ना चीज़ें होंगी, अब चलो थोड़ी सी गेम्स की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा फन लेकर आते हैं, राइट? फन नो एंजॉयमेंट, ठीक है डन 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 आ जाओ। तो अरमान, सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, बचपन में आपने कभी भी अपने मम्मा के कपड़े या फिर कॉस्मेटिक्स ट्राई किए हैं? क्या मोमेंट था वो, प्लीज हम सुनना चाहेंगे। साढ़े ना जो मैं जिदा जॉइंट फैमिली साड़ी तो रात में हम गर्मियाँ होंगे ना, जो सारे बैठे ताइया चाचिया सारे बैठे है ना, मैं जवाक जहाँ होंगे सर, तो उदों की होंगे ना सारे बैठे भी जिंदा हम फैम जॉइंट फैमिली है ना साड़ी, की होंगे सर एक हॉल ज टाइप हों का बड़ा कमरा होंगे जिन्हें करके बड़ा कमरा वो ए सी होंगे सारे असं कट्ठे सौंदे होंगे उ पूरी फैमिली उत्थे की होंगे उत्थे, फिर एक मैं आँगा मतलब जिदा चुनी लै ली मम्मी के उपर है ना, ऐ करके उपरों कपड़े पा लिया है ना सलवार या सूट पा लिया करके चुनी लै के प्रॉपर ऐ आँगा सी करके सिंपल जी गल जवाक करते ने गए हूँ भी करते होने जवाक असी ए फन करते वो सारे घर के देखते सारे बैठे होंगे हूँ दुद्धा तो पी रहे होंगे भी आह की कर रहा है वो मैं उत्थे आइटमां पेश करता सी जिदा बड़ा वधिया चलो छोटा बचपन होंगे बंद सारे करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं से आए हो बहुत ज़्यादा थके हो और आपने जो डेप पहना है उसी में सो गए हो? बिल्कुल इदा ही करते हैं, मैंने हिम्मत नहीं होंगी नहीं होंगी हिम्मत, मैं कई बार तो मैं शूट शाट तो आएगा मेकअप लगे होगा उतारना होंगे कई बार उतों काली काली आई जाए ना इदा ही सोना सवेरे सवेरे देख देना भी की हो गया बाल इदा पे ने पे ने अं सोना, मैं तुम दसा भी नींद बहुत ज़्यादा पसंद करता मैं नींद कुछ भी होता मैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने कोई जोक सुनाया और आपको समझ ना आया लेकिन आपने फिर भी हंस दिया हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी यस।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰ ਜੋਕਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਸੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਸ ਦੇਈਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਈਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹੱਸ ਲਈਦਾ। ਤੋ ਕਭੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਾਣੇ ਕਾ ਮਨ ਨਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਕਾ ਮਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਜਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਡੈਡੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੱਲੂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਕੂਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੂ ਪੱਕਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ ਮੇਂ ਗਏ ਹੋ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਦੇਖਤੇ ਸੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਥੀ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਲਾਈਫ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਭੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਕੋ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਆ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੜ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੇ? ਆਹੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਕਾਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਕਾਰ ਕੀ ਕੀਸ ਕਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੋੜ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੀਚੇ ਓਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਗੇਟ, ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਚਾਬੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਉਹ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਾ? ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਦਤ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਪਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਨੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਵਾਕ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਡੈਡੀ ਹੋਊਗੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਫ ਡੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਗੇਮ ਅਭੀ ਯਹੀਂ ਪੇ ਖਤਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਬ ਹਮ ਨੈਕਸਟ ਗੇਮ ਖੇਲਤੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਅਰਮਾਨ, ਅਬ ਹਮ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਗੇਮ ਖੇਲੇਂਗੇ ਜਿਸਮੇਂ ਆਪਕੋ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਯਾ ਤੋ ਦਿਸ ਯਾ ਤੋ ਦੈਟ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੋ ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯਾ ਫਿਰ ਸਨੈਪਚੈਟ? ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਨਏ ਕੱਪੜੇ ਯਾ ਨਈ ਗਾੜੀ? ਕੱਪੜੇ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਯਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ? ਕ੍ਰਿਕਟ। ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਬੋਲਾ ਆਪਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਯਾ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਬਾਈਕ? ਘਰ। ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਯਾ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੋਪਿੰਗ? ਨੋਰਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਲੂ ਕਲਰ ਯਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ? ਰੈੱਡ। ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਯਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ? ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ। ਨੂਡਲਸ ਯਾ ਫਿਰ ਪਾਸਤਾ? ਪਾਸਤਾ। ਮੂਵੀ ਘਰ ਪਰ ਯਾ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਪਰ? ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੋ ਕਾਮੇਡੀ ਯਾ ਫਿਰ ਹੋਰਰ? ਹੋਰਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਦੋਨੋਂ ਬੋਥ। ਸਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਯਾ ਵਿੰਟਰਸ? ਤਾਂ ਹੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੋ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਲੇਤੇ ਹੈ ਵਿਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਐਂਡ ਮੇ ਕੁਛ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋ? ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਰਮਾਨ, ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਹਮੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਤੋ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਲੇਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭੀ ਸੇ ਵਿਦਾ, ਮਿਲੇਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਬੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਸਟੇ ਇਨ ਸਵੈਗ।